बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं मेहनत कश जो लोग हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये देखें कि ये कबलर जो है, मोची, ये काम पे लगे हुए हैं, लेकिन ये जब हमने इनसे बात की थी तो सुबह से वो बता रहे थे कि कोई काम नहीं है। सारा दिन के काम के बाद सिर्फ 200 से 150 रुपये जो है वो कमाते हैं और इसी में ही उनकी गुजर बसर हो रही है। मौजूदा हालात को अगर मद्देनजर रखा जाए तो 100 150 रुपये जो है दिहाड़ी, इसमें कुछ भी नहीं बनता। एक वक्त की जो रोटी है या 1 किलो सब्जी आती है। मेरी ये दरख्वास्त है दोस्तों, तमाम वीडियो देखने वालों, जितने भी दोस्त हैं, जितने व्यूवर्स हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोग जो मेहनत कश हैं, इनकी हर मुमकिन तरीके से ज़रूर मदद फरमाएं, और जो भी काम होता है उसका मुआवजा जो है जितना भी वो मुनासिब है वो ज़रूर दें। इसमें अल्लाह ताला की रज़ा भी और होगी और जिससे आप काम करवा रहे हैं वो भी खुश होगा। इस महंगाई ज़्यादा दौर में जो है, अगर ये बुज़ुर्ग हैं जो ये बीमार हो जाते हैं, तो इनको जब मेडिसिन से दवाई लेने जाएंगे तो इसमें भी जो ये मेडिसिन लेंगे उसमें GST इंक्लूडिंग होगा और टैक्स भी देते उनको जो है गरीब आदमी को देना पड़ता है। अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं, खाने की अशिया इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी का जो है 2 वक्त की रोटी जो है कमाना मुश्किल हो गया है। आइए इन बुज़ुर्गों से बातचीत की नाम करते है जी हैं। अपना बशीर साहब, कितना अर्सा हो गया इतने काम कर दिया? जिसले तुसी बाजारों सौदा लैन जांदे हो या बिलां दे विच किसे जगह तुहानू कोई डिस्काउंट मिलदी है? नहीं। ते ए काम शम तुहाडा कोई रिड़ जांदा है, 400 500 मिल जांदा रोज दा? ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। अब आपको मिलवाते हैं कुल्फी खोए वाली और स्पेशल बर्फी वाले जो बाबा जी हैं, ये कोई 20 साल से जो है इस एरिया में जो है सेल कर रहे हैं बर्फी और खताइयाँ वगैरह। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटी सी एक इन्होंने हैंड ट्रॉली बनाई हुई है, उसके अंदर शोकेस बनाए हुए हैं जिसमें कि ये खताइयाँ वगैरह जो कि ये मार्केट से लेते हैं और बर्फी वगैरह ये खुद बनाते हैं। और इनकी ट्रॉली की हालत भी इनकी उम्र के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितनी खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो रिज़्क़े हलाल की खातर गली गली फिर कर ये बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं। बाबा जी के जब बातचीत हुई थी तो इनके उन्होंने बताया कि जी बच्चे सारे शादीशुदा हैं और मैं जो है अपने रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए, तकरीबन इनकी 80 साल के करीब उम्र है, 80 ईयर्स हो गई है एज, और ये अभी तक जो है गले। ये देखें कि ये इन्होंने जो ट्रॉली रखी हुई है उसकी हालत कितनी खस्ता है और पेंट भी होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, लेकिन ये फिर भी इनके अंदर एक जज्बा है। तो दोस्तों, जब इनसे बातचीत की तो इनसे भी हमने पूछा कि आपको कोई सहूलत वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत वगैरह मिली हुई है, कोई कार्ड बना हेल्थ कार्ड? तो उन्होंने माजरत ही की कि कोई कुछ नहीं बना, ना कोई मुझे सहूलत है और मैं खुद अपने बच्चों का जो है लिए ये सारा दिन फिरता रहता हूँ और रोटी कमा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे बुज़ुर्गों का जो है सहूलतें देना रियासत का काम है, लेकिन ये कि मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए जो है इनसे सौदा वगैरह ज़रूर ले लिया करें, इनकी मदद भी हो जाएगी अपने जो बच्चों के लिए दर बदर ये फिर रहे हैं। तो उम्र का भी तकाजा है, लेकिन ये फिर भी देखें कि इनका जज्बा जो है, इसको सलाम करता हूँ कि वो इस उम्र में भी जो है बच्चों के लिए रोटी कमा रहे हैं। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल KHOOJT के नाम से इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।